वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली ये देखा गया अभी जो कोविड के बाद बहुत सारे पेशेंट, जैसे मैंने बोला 10-20% पेशेंट्स को हार्ट डिसफंक्शन देखने में मिल रहा है। अब दो तरीके हो सकते हैं, अब जहाँ तो वो पेशेंट का हार्ट डिसफंक्शन पहले से था, कोविड के कारण वो ट्रिगर हो गया, बढ़ गया, या कोविड ने ही उस हार्ट डिसफंक्शन को मैनिफेस्ट किया और उसके कारण ही वो हार्ट डिसफंक्शन बना। तो जो कोविड के बाद हार्ट डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है, अभी तक के डेटा के अनुसार वो हार्ट डिसफंक्शन 50-60% पेशेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है, बेटर हो जाता है टाइम से, और 30-40% पेशेंट्स में परसिस्ट करता है। क्योंकि डेटा अभी इतना लंबा नहीं है हमारे पास जिसमें ये बता पाएं भी वो एक साल बाद रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। अभी तक जो कोविड ठीक होके गए हैं, मैक्सिमम एवरेज फॉलो अप देखें हमारे पास 6-8 महीना का है, तो उन 6-8 महीना का बात करें तो उसमें 50-60% पेशेंट्स में रिजॉल्व हो गया है, 40% में परसिस्ट कर रहा है। सो वील कंटिन्यू विद द डेटा। सेकेंड जो मैंने बोला अभी कोविड के बाद रिदम प्रॉब्लम, वो एक बहुत ही अचंभित करने वाला एक चीज मिला हमारे दो पेशेंट्स में, जिससे हमें ज़्यादा ये मैसेज आया अभी हमें ये आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि दैट पेशेंट वॉज हाईली डिस्ट्रेस्ड पोस्ट कोविड, इवन फर्स्ट टाइम ही केम टू मी, इवन आई थॉट दिस इज पोस्ट कोविड सीक्वले, सो कुछ ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, बट समवेयर आई फेल्ट चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं, एंड इट टर्नड आउट टू बी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जिसमें उसका गति 30 हो गया। सो कुछ भी तरीके से ये हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ट्रीट करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जो टाइम के साथ आगे सुधर सकती हैं।